वेलकम टू एच एम क्लासेस। एच एम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम कवर कर रहे हैं आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम 2023-24 एग्ज़ाम न्यूज़ अपडेट है। इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं व्हाट्स न्यू इन दिस एग्ज़ाम, इस बार इस एग्ज़ाम में क्या नया होने जा रहा है। उसी के साथ ही आपके एडमिट कार्ड और जो एडवांस सिटी इंटीमेशन है वो कब तक रिलीज़ कर दिए जाएंगे, और उसके अलावा एक और मेन बात कि आप सभी जानते हैं कि आरपीएससी ने थर्ड पेपर की आंसर की प्रोविजनल आंसर की रिलीज़ कर दी गई है। तो उस रिलीज़ करने के बाद कई कैंडिडेट ने अपने ओमार्कशीट चेक कर लिए हैं, और अब सेफ स्कोर क्या हो सकता है थर्ड पेपर के लिए। वैसे तो जो टोटल मार्किंग के हिसाब से ही लिस्ट बनती है मेरिट की, जिसमें फर्स्ट सेकंड और थर्ड पेपर इंक्लूड करके काम होता है, लेकिन आज हम केवल इसमें थर्ड पेपर की बात कर रहे हैं क्योंकि कई सब्जेक्ट में फर्स्ट और सेकंड पेपर होना बाकी है। चलिए हम आगे बढ़ें। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फ्रेंड्स रिलेटिव के साथ शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए फॉर ऑल नोटिफिकेशन। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ, जैसे कि थर्ड पेपर का सेफ स्कोर हम आपको बता रहे हैं, आने वाले समय में एग्ज़ाम से पहले आपके सब्जेक्ट में कितना सेफ स्कोर होना चाहिए वो भी हम इसमें बात कर रहे हैं। तो वीडियो पे नया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आज के न्यूज़पेपर में। आज विभिन्न न्यूज़पेपरों में अलग अलग बात आई हुई है, जैसे कि ये वाला देखिए दैनिक भास्कर का अजमेर का, जिसमें बताया जा रहा है कि आरपीएससी 16 मई से फिर शुरू होगा प्रतियोगी परीक्षाओं का दौर, आयोग तैयारियों में जुटा। अगले दो माह में 2033 पदों के लिए 27 अलग अलग विषयों की प्रतियोगी परीक्षाएं लेगा। ये जो एग्ज़ाम होने जा रहा है इसमें ये बात क्लियर हो चुकी है, ये एग्ज़ाम की जो सेंटर लगने जा रहे हैं वो अजमेर व जयपुर में इसके एग्ज़ाम सेंटर लगेंगे। इससे भी अच्छी न्यूज़ दूसरे न्यूज़पेपर में है, उसको हम कवर कर लेते हैं। आप देखिए इसमें जो नया होने जा रहा है वो बात कर लेते हैं। पहले तो 16 मई से एग्ज़ाम है जो कि 2 जून तक चलने वाले हैं। उसके बाद देखिए इस बार जो नया होने जा रहा है वो सबसे बड़ी बात है कि हैंडराइटिंग में वाक्य लिखेगा और पुष्टि भी करेगा। आयोग द्वारा जारी प्रवेश पत्र के साथ अटेंडेंस शीट में संलग्न होती है। इस शीट को परीक्षा केंद्र पर भीषक अभ्यर्थी की पहचान कर स्वयं के केंद्राधीक्षक एवं अभ्यर्थी के हस्ताक्षर करवाकर प्रवेश पत्र से अलग कर केंद्र पर जमा करते हैं। परीक्षा संपन्न होने के उपरांत यह अटेंडेंस शीट परीक्षा सामग्री के साथ आयोग को भेजी जाती है। परीक्षार्थी को अटेंडेंस शीट के निचले भाग में दिए गए स्थान पर अभिजागर की उपस्थिति में, अब इन्होंने यही लिखा है जैसे लिखा है कि एक वाक्य लिखना होगा। इसके पश्चात अभ्यर्थी अपने हस्ताक्षर कर स्वीय के द्वारा लिखे गए वाक्य की पुष्टि करेगा। कहने का मतलब यह है जहाँ पे हम साइन करते हैं अटेंडेंस शीट में, वहाँ पर आपको जो अटेंडेंस होगा वहाँ पे आपका जिसकी ड्यूटी लगी हुई होगी उसके सामने ही आपको एक वाक्य लिखना पड़ेगा जो उसमें लिखा होगा, जैसे कि हैंड राइटिंग मैच कर सके। तो इस बार ये नया होने जा रहा है। उसके अलावा देखिए आप प्रश्न पत्रों की सुरक्षा पर विशेष ध्यान रखा गया है। आयोग द्वारा प्रश्न पत्रों की सुरक्षा के संबंध में भी विभिन्न आवश्यक कदम उठाए गए हैं। अन्य सुरक्षात्मक उपायों एवं परीक्षा के सुगम आयोजन के संबंध में 9 मई को अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस SOG एवं ATS जयपुर, जिला कलेक्टर अजमेर जयपुर, पुलिस आयुक्त जयपुर, पुलिस अधीक्षक अजमेर, अतिरिक्त जिला कलेक्टर व परीक्षा समन्वयक अजमेर व जयपुर, अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त परीक्षा प्रभारी, पुलिस आयुक्तालय जयपुर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक व पुलिस नोडल अधिकारी अजमेर, संयुक्त निदेशक स्कूली शिक्षा अजमेर व जयपुर तथा जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय अजमेर व जयपुर के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विचार विमर्श किया जाएगा। तो ये बिल्कुल ही फाइनल है कि 16 मई को एग्ज़ाम हो रहा है और उसके लिए पूरे सुरक्षा के एग्ज़ाम सुरक्षा की जा रही है इसकी। जैसे कि आप जानते हैं 27 विषयों के कुल 2033 पदों के लिए, इसमें दूसरे सब्जेक्ट भी ले लिए हैं एक्चुअली इन्होंने, तो 182,257 अभ्यर्थी पंजीकृत हैं। तो सबसे पहले हम इसमें बात कर लेते हैं जो एक बार पोस्ट कितनी पोस्ट पे कितने आवेदन है उसकी बात कर लेते हैं। अब इन आवेदनों में से भी जो लास्ट टाइम जो थर्ड पेपर दिया है ना
वो कम हुए हैं, तो आपके सब्जेक्ट में भी इसका इफेक्ट पड़ने जा रहा है। पॉलिटिकल साइंस का 16 मई को होने जा रहा है। 181 जो उसमें पोस्ट है उस पर आवेदन है 25,219। मान के चलो कि जितने भी अभ्यर्थी रजिस्टर्ड है उसका 50% ही पेपर देंगे, ये हम अजम्पशन ले सक रहे हैं, क्योंकि पॉसिबिलिटी यही होती है कि 50% से ज़्यादा उपस्थिति आपको मिलती नहीं है इनमें। 17 मई को हिस्ट्री का एग्ज़ाम है जिसमें 177 पद हैं और जिसमें कैंडिडेट रजिस्टर्ड हैं 24,640। 18 मई को ज्योग्राफी का है जिसमें पद 150 हैं और आवेदन है 23,205। 19 मई को फिजिक्स का है, पद 60 हैं, आवेदन है 7,187। 16 मई को संस्कृत का है, पद 76 हैं, आवेदन है 7,192। 19 मई को पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का है, पद 45 हैं, आवेदन है 1,754। 20 मई को ABST का है जिसमें पद 86 हैं और आवेदन किया गया है 6,476 कैंडिडेट के द्वारा। 20 मई को बॉटनी का भी है, 70 पद है, आवेदन करने वालों की संख्या है 6,199। 20 मई को ड्राइंग एंड पेंटिंग है, पद 35 हैं और आवेदन किया है 1,580 लोगों के द्वारा। 21 मई को इंग्लिश का भी है, 21 को जूलॉजी है और जिसमें इंग्लिश में 153 पद है, जूलॉजी में 64 पद है, इंग्लिश में आवेदन है 7,508 और आपके जूलॉजी में है 5,397। 22 मई को चार एग्ज़ाम होने जा रहे हैं, केमिस्ट्री, राजस्थानी, उर्दू और म्यूज़िक। पद हैं 81, 6, 24 और 12 और अप्लाई करने वाले 9,110, 701, 1,437 और 648। 23 मई को एक ही एग्ज़ाम है, नहीं 23 मई को भी काफ़ी एग्ज़ाम है आपके, गणित का है, EFM का है और अप्लाइड आर्ट का है। और उसके बाद 24 मई को लाइब्रेरियन है, 28 मई को आपका बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है, 29 को इकोनॉमिक्स है, 30 मई को सोशलॉजी है, 31 मई को फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर का है, 1 जून को साइकोलॉजी है, 1 जून को आर्ट एंड हिस्ट्री भी है और 2 जून को आपके दो पेपर हैं, होम साइंस और फिलोसफी। सबसे कम कंपटीशन देखने को मिल रही है फिलोसफी में जिसमें पद 111 बताए जा रहे हैं और आवेदन करने वालों की संख्या 605 है। और सबसे ज़्यादा आवेदन आए हुए हैं आपके सामने पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री और ज्योग्राफी में, और उसके बाद लाइब्रेरियन में भी इसमें काफ़ी आवेदन आए हुए हैं 247 पोस्ट पे। तो अब हम बात कर लेते हैं आपके एडमिट कार्ड की। तो ये तो निश्चित हो चुका है जो एग्ज़ाम होने जा रहा है जयपुर और अजमेर में होने जा रहा है, जिसकी व्यवस्था इन्होंने कर दी गई है और इसके लिए सारी व्यवस्था की जा रही है। जैसे कि आप जानते हैं कि आज 4 मई हो चुकी है और 16 मई को पहला एग्ज़ाम है, तो जिनके जैसे एग्ज़ाम हो रहे हैं एक साथ, तो ये एक साथ तो एडमिट कार्ड RPSC देती नहीं है। तो एग्ज़ाम से 3 दिन पहले तो आपको एडमिट कार्ड ही रिलीज़ किए जाते हैं RPSC के द्वारा, और लगभग 7 दिन पहले यानी एक सप्ताह पहले मान के चलो एडवांस सिटी इंटीमेशन रिलीज़ कर दिया जाता है, ताकि जो कैंडिडेट है वो अपनी, अगर दूर से कैंडिडेट आ रहे हैं तो अपनी रिजर्वेशन वगैरह करवा सकें। तो एक सप्ताह पहले आपको कहाँ पर पेपर होने जा रहा है ये बता दिया जाता है RPSC के द्वारा, और 3 दिन पहले लगभग आपको एडमिट कार्ड रिलीज़ कर दिए जाते हैं। जिस डेट को आपका पेपर है उससे 7 दिन पहले आपको इंटीमेट कर दिया जाएगा एग्ज़ाम कहाँ है, और 3 दिन पहले आपको एडमिट कार्ड रिलीज़ करने दे दिया जाता है। और यही पैटर्न आजकल हर एग्ज़ाम में होना जा रहा है, भले वो NTA हो या कोई सा भी एग्ज़ाम हो, सेम पैटर्न ही अपनाया जा रहा है। अब हम इसमें बात कर लेते हैं आपके सेफ स्कोर की। आप जैसे जानते हैं RPSC के द्वारा जो थर्ड पेपर की आंसर की रिलीज़ कर दी है, और सबने अपने क्वेश्चन पेपर और जो उनके पास वो मार्कशीट थी, और जो RPSC ने मॉडल आंसर की और मॉडल क्वेश्चन पेपर दिया था, चारों चीज़ों को बैठ कर टैली भी कर लिया है, काफ़ी लोगों ने टैली कर दिया है, तो उसके बाद हम ये कह सकते हैं कि क्या सेफ स्कोर जा सकता है। और लास्ट टाइम भी जो हमने कैंडिडेट से बात की थी उसके आधार पर भी हम बता रहे हैं आपको, लास्ट टाइम से तो अच्छा स्कोर बन रहा है लोगों का। लास्ट टाइम काफ़ी कम लोगों का भी स्कोर, बहुत कम था और ज़्यादा लोग नहीं थे इतने, लेकिन इस बार जो मैं बात करूँ अगर, तो आर्ट्स वाले जो कैंडिडेट हैं उनका थर्ड पेपर अच्छा गया हुआ है, क्योंकि उनकी मेन
जो बेसिक होता है वही होता है, क्योंकि आप जानते हैं थर्ड पेपर में पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी का काफ़ी पार्ट और कवर हो जाता है। और जो आपके कॉमर्स और साइंस वाले हैं उनका जो थर्ड पेपर में मार्क्स हैं वो कम रहते हैं। तो पहले हम आर्ट्स की बात कर लेते हैं। अगर हम आर्ट्स की बात करें सेफ स्कोर की, तो जिनके 35 से ऊपर हैं मार्क्स, तो वो बिल्कुल सेफ कैटेगरी में थर्ड पेपर के हिसाब से तो बहुत अच्छा करके आए हैं। और इसके अलावा अगर हम माने कि एवरेज मार्क्स उनके, अगर आर्ट्स वालों के, तो 30 से 35 के बीच में हम उनके एवरेज मार्क्स मान सकते हैं। और उसके अलावा अगर ठीक ठाक मार्क्स अगर हम कहें तो 25 से 30 के बीच में मान सकते हो, और ये भी मान सकते हो 21 से 30 के बीच में भी जिनके ठीक ठाक हैं, लेकिन उनको फर्स्ट पेपर और थर्ड पेपर में अच्छा स्कोर कवर करना पड़ेगा अगर उनके मार्क्स इतने हैं तो। और जिनके मार्क्स ज़्यादा अच्छे आए हुए हैं इस बार थर्ड पेपर में, तो वो थोड़ा कंफर्टेबल है। फर्स्ट और सेकंड पेपर पर तो ध्यान देना ही पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादा रोल उसी पेपर के हैं। अगर हम आर्ट्स और का तो बात हो चुकी, और अगर हम बात करते हैं कॉमर्स और साइंस की, तो कॉमर्स और साइंस में अगर जिन भी कैंडिडेट ने 31 से 35 के बीच में स्कोर किया है, तो उनके लिए बहुत सेफ़ स्कोर है। और लास्ट टाइम भी हमें यही देखने को मिला था कि जो कैंडिडेट टॉप कर रहे थे कॉमर्स में, उनके लगभग 35 मार्क्स थे जो थर्ड पेपर था टॉप करने वाले कैंडिडेट का बता रहा हूँ मैं। तो 31 से लेकर 35 के बीच में कॉमर्स साइंस के जिनके भी थर्ड पेपर में मार्क्स आ रहे हैं वो सेफ जोन में हैं। उनको बस अभी फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर की अच्छी से तैयारी करके पेपर देना है, और फिर इंटरव्यू पे फोकस करना है। अगर 25 से 30 के बीच में आ रहे हैं तो हम एवरेज मान के सकते हैं, और 21 से लेके 25 के बीच में कॉमर्स और साइंस वालों के मार्क्स आ रहे हैं तो वो भी ठीक है, लेकिन उनको फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर पर अच्छा फोकस करना होगा, अच्छे मार्क्स लेके आने पड़ेंगे, और इंटरव्यू भी अच्छा करके आना होगा, तो सिलेक्शन मुमकिन हो सकता है। गारंटी तो किसी चीज़ की नहीं होती है, आप तो अपनी तरफ से कोशिश कर सकते हैं। फिर जो तो जैसे मैंने आपको बता दिया है, और इसके अलावा अगर आपके पास कोई क्वेश्चन या क्वेरी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। हर सब्जेक्ट का क्या सेफ स्कोर जा सकता है वो भी हम जल्दी कवर करेंगे। और हमारा टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे रहा हूँ, आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि जैसे आप अपडेट होते रहें। कीप वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।